अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम यकजहती कश्मीर मनाया। पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुतहदा अरब अमारात में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तानी सदर और वजीर आजम और वजीर खारजा के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। कश्मीरी रहनुमा और कम्युनिटी के अरकान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए 5 अगस्त 2019 से गैर कानूनी और गैर इंसानी फौजी मुहासरे के तहत कश्मीरियों की हालत इजहार पर रोशनी डाली। यह इलाका एक खुली कचहरी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां भारतीय फोर्सेस की मनमानी गिरफ्तारियों, कत्ल और गारतगिरी के साथ आबादी को खौफजदा करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ताहम इन मजालिम के सामने कश्मीरियों का हक खुद इरादियत की जिदोजहद में साबित कदम रहने का अज़्म मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान के कौंसल जनरल हसन अफजाल खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिदोजहद की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखे हुए है। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा तमाम आलमी फोरम पर मसले कश्मीर को उठाया है। सेमिनार के मौका पर भारतीय मजालिम की अक्कासी करने वाली तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब का इख्तिताम कश्मीरी शहदा के लिए खसूसी दुआ और जिद्दोजहद की कामयाबी के साथ हुआ।